नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं शेर सिंह आर्य जी, ये हैं असली गौसेवक। जी हाँ, गौ सेवा की जो सच्ची भावना होनी चाहिए वो शेर सिंह आर्य जी में कूट कूट कर भरी हुई है। शेर सिंह आर्य अपनी निजी ज़मीन में 300 से ज़्यादा गायों की सेवा कर रहे हैं और ये बाहर किसी से चंदा मांगने नहीं जाते हैं, जो कि जिसका सहयोग होता है वो दे देता है। शेर सिंह जी पिछले 19 सालों से गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा की ये भावना इनमें कैसे उत्पन्न हुई और इतने लंबे समय तक ये गायों की सेवा कैसे कर पा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। अक्सर ज़्यादातर गौशालाएँ समूह में चलती हैं, कोई ट्रस्ट चलाता है या गाँव वाले चलाते हैं या बहुत से लोगों के सहयोग से चलते हैं, लेकिन आप अपने निजी व्यक्तिगत एफर्ट से इतनी बढ़िया गौशाला चला रहे हैं, ये कहानी कैसे शुरू हुई? टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सन 2000 की बात है, वो 2001 के अंदर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और उस समय चारे का भाव 450 रुपए क्विंटल तूड़ा पहुँच गया था और गौएं भूखी मर रही थी। तो इस गाँव के अंदर 15-20 गाय और बछिया सुनी आवारा घूम रही थी, जंगल में चारा नहीं, घरों पर चारा नहीं। मैंने मन में विचार आया कि जो अत्याचार चाहे पशु पर या किसी व्यक्ति पर हो रहा हो और उसको हम थोड़ा बहुत दूर करने में समर्थ हैं और उसको हम दूर नहीं करते तो उस अपराध के, उस पाप के भागी हम भी बनते हैं। ये मेरे मन के अंदर विचार आया तो मैंने गांव के कुछ लोग इकट्ठे किए, कुछ साथी इकट्ठे किए, भाई अपने गाँव के अंदर 15-20 आवारा सुनने पशु वंश घूम रहा है, गऊ बाछे बछिया घूम रही हैं, इनका चारे पानी का इंतजाम हम कर दें तो ये भी अपना ठीक प्रकार से जीवन बिता लें। तो उन्होंने मेरा सहयोग दिया, बोला बिल्कुल बढ़िया बात है, 15-20 गऊओं का इंतजाम करना गांव के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। कुछ चारा इकट्ठा किया, कुछ पैसे इकट्ठे किए, पशु अस्पताल में हमने वहाँ पर इनका खेल बना दी, खोर बना दी, पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ हमने चारा रख दिया और ये कार्य चलता रहा। बाद में फिर विचार आया कि भी गाँव के सार्वजनिक स्थान के ऊपर, गाँव के 52 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर गौशाला बनाई जाए, तो उसमें गाँव के विवाद के कारण वो विचार हमने छोड़ दिया। फिर भाई गांव पूरा सहयोग, पूरा गांव सहयोग हो, पूरा गांव साथ दे तो फिर गांव के स्थान पर गौशाला खोलने का आनंद ही कुछ अलग है और यदि उसमें कुछ विरोध होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने अपनी निजी ज़मीन के अंदर ये गौशाला का निर्माण शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, किसी ने शेड बना दिया, किसी ने रोड बना दिया, किसी ने और सहयोग कर दिया, तो ये आज गोवंश की संख्या 300 तक बढ़ी हुई है। लेकिन कार्यभार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब 300 से अधिक बार मेरे से सहन नहीं होता, इतना ही मैं रखता हूँ। कुछ गऊ में ब्याह जाते हैं, उनको बेच देते हैं और 300 के आसपास गऊ रख रहे हैं, कई साल से इतना ही चल रहा है। अधिक हम गऊ इसका वो नहीं बढ़ने देते क्योंकि अधिक भार हमारे से सहन नहीं होता, जितना हो रहा है उतना चला रहे हैं। अब अपने सामर्थ्य से, कुछ साथियों के सहयोग से और कुछ अपने निजी प्रयासों से गौशाला चल रही है। इसके लिए हम बाहर कहीं भी मांगने के लिए नहीं जाते, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी से लेकर के इस प्रकार चलाएं, हमारा फिर भी लक्ष्य यही है कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाएं और एक दिन गौशाला पूर्ण रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी को सहयोग देने वाली बने, सहयोग लेने वाली नहीं बने। तो दोस्तों, जैसा शेर सिंह जी ने बताया कि इन्होंने 2000 में अकाल के कारण कुछ गायें इकट्ठे की, उनको चारा और पानी के प्रबंध के लिए गाँव में इन्होंने कोशिश की कि गाँव वाले अपनी पंचायती ज़मीन पर गौशाला खोले, लेकिन किसी कारणवश वो खुल नहीं पाई। फिर इन्होंने उन गायों के और बेहतर प्रबंध के लिए निजी ज़मीन पर, अपनी खेत की ज़मीन पर 5 एकड़ पर गौशाला शुरू की, 60 गायों से शुरू की और आज 300 तक पहुंच गए हैं और पिछले 19 साल से लगातार गौसेवा कर रहे हैं। जो गौसेवा करना चाहते हैं और जो गौसेवा के इच्छुक हैं वो यहाँ एक बार भ्रमण ज़रूर करें। हरियाणा में भिवानी के नीमड़ी वाली गाँव में ये गौशाला है इनके खेत में और ये भिवानी और चरखी दादरी के बीच में गाँव है। बहुत से लोग गौसेवा करना चाहते हैं, बहुत से लोग गौसेवा देखना चाहते हैं क्योंकि इसका एक अलग आनंद है, तो वो अगर संभव हो तो यहाँ एक बार ज़रूर आएं और शेर सिंह आर्य जी की लगन देखेंगे तो आपका भी मन प्रसन्न होगा। नमस्कार। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।